नमस्कार, संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। बीते दिनों दिल्ली में स्वाति थिरुनल महोत्सव का आयोजन किया गया। कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। अक्टूबर को स्वाति थिरुनल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। यह महोत्सव इंटरनेशनल अकादमी ऑफ मोहिनीअट्टम की ओर से आयोजित किया गया था। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों का स्वागत किया गया। महोत्सव की शुरुआत गुरु जयप्रभा मेनन की मोहिनीअट्टम के साथ हुई। स्वाति थिरुनल महोत्सव त्रावणकोर के महाराजा स्वाति थिरुनल राम वर्मा को समर्पित है। महाराजा स्वाति थिरुनल ने 1813 से 1846 तक त्रावणकोर पर राज किया था। वह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और गीतकार थे। ये स्वाति थिरुनल फेस्टिवल हम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया हैबिटेट के स्टाइन ऑडिटोरियम में। ये 13वीं साल है, मीन्स आई मीन 13th ईयर ऑफ द फेस्टिवल। एंड ये ऐसे कि महाराजा स्वाति थिरुनल जो उन्होंने ट्रावणकोर में केरला में रह के 6 से ज़्यादा भाषाओं में लिखे कंपोजिशंस। तो ये कंपोजिशन में ऐसे नहीं कि एक ही भाव हो, उसमें श्रृंगार है, वीर है, रौद्र है, हिंदुस्तानी संगीत भी है, भजन भी है, टप्पा है, विलंबित ख्याल है। तो ऐसे एक पोएट किंग है उन्होंने, जो जिसकी लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट फॉर्म बस अनपैरलल, जो हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे लगा, मैं जब दिल्ली आई तो काफ़ी परफॉर्मेंस में करती रही, तो मुझे बोला कि सोचा कि ऐसे कोई स्वाति थिरुनल की कृतियाँ यहाँ कुछ करता नहीं फेस्टिवल, बिकॉज बल्कि केरला में तो वी हैव स्वाति थिरुनल फेस्टिवल्स, सो यहाँ क्यों नहीं शुरू करते। वैसे हम इनिशियली दिल्ली मलयाली एसोसिएशन की हेल्प से हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, फिर आफ्टरवर्ड मैं खुद ऑर्गेनाइज कर रही थी 13th ईयर। इसमें ऐसे अच्छा लगता है कि देश की कोने कोने की सभी कलाकारों को मैं ला पा रही हूँ, और वो सब लोग स्वाति थिरुनल की कृतियों के बारे में जाने, उस पर रिसर्च कर रहे, उसमें काम कर रहे, और सब आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से लाते हो, तो अपने अपने इनपुट, एक नोवेल्टी सब चीज़ में आ जाता है। ऐसे रिपीटेशन कभी नहीं होता है, हर आर्टिस्ट अपनी तरफ से अपनी सोच के हिसाब से बनाते हैं।
तो ये एक बहुत सुंदर कृतियाँ बन के आ रहा है। कंपोजिशन से प्रेजेंटेशन भी अलग अलग प्रेजेंटेशन आ रहे हैं। तो हमने एक हमेशा भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, हिंदुस्तानी वोकल हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स, सितार, सरोद, वीणा, जुगलबंदी, ऐसे यानी एक जीनियस ने ऐसे लिख दिया कि सब आर्ट फॉर्म उसके नीचे आ रहे हैं, सब हम सब कुछ कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये ऐसे हमने सोच के ये किया। जब मैं शुरू किया मैं तो ये नहीं सोचा कि 15 साल ये चलाएगा सब, लेकिन भगवान ने जो ताकत दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, तो उसी से हम कर रहे हैं, गुरुओं के आशीर्वाद से बस। महोत्सव में दूसरी प्रस्तुति उमा नंबूदरी पाद सत्यनारायण की थी। उमा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में पारंगत है। वह कर्नाटक गायन में भी प्रशिक्षित है। इस महोत्सव की खासियत है कि यहाँ महाराजा स्वाति थिरुनल की रचनाओं को आधार बनाकर ही प्रस्तुति दी जाती है। नंबूदरीपाद की दूसरी प्रस्तुति राधा पर आधारित थी। कृष्ण की मृत्यु की सूचना जब राधा तक पहुंची, तब राधा दुखी होने की जगह प्रसन्न होकर नाचने लगी। इसी एहसास को आधार बनाकर स्वाति थिरुनल की रचना है जिसकी उमा ने प्रस्तुति दी। का समापन डॉक्टर ओएस अरुण के कर्नाटक गायन के साथ हुआ। ओएस अरुण कर्नाटक संगीत के बेहतरीन गायक हैं। गायन की यह विरासत उन्हें अपने परिवार में मिली, जहां संगीत जीवन का एक तरीका रहा है। तीर
13 सालों से लगातार हो रहे इस आयोजन में देश के नामी गिरामी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ 40 इयर्स तक ही जिया उन्होंने, लेकिन ये छोटा जो इनका आयु है उसमें बिना कहीं जाके उधर बैठ के इतने अच्छे कृतियां कंपोजिशन, ही वाज ए जीनियस, ही वाज ए म्यूजिशियन अमंग किंग एंड अ किंग अमंग म्यूजिशियंस। उतना अच्छा इनकी नॉलेज थे, इनकी जीनियसनेस इतना था कि ये हर तरह की कंपोजिशन लेके, और उस ज़माने में यानी थिंकिंग अबाउट द 19th सेंचुरी, आप कैसे सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस आएंगे यहाँ के। तो ये आजकल तो कोई सोचता नहीं है ना, आजकल तो संभव ही नहीं है। तो उस टाइम पे वी थॉट अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारी देश को एक ही लाइन पे बंध के रखता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधा इन एकता। ये विविधा इन एकता उनकी कृतियों में आ गया, उनकी एक ही इंसान ने ये विविधा इन एकता बना दिया है, अब वो भी आर्ट में। तो ये से सुंदर और क्या हो सकता है। इस महोत्सव की खासियत है कि यहाँ एकल नृत्य प्रस्तुति देखने को मिल जाती है। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में किया गया था। कार्यक्रम के अंत तक लोगों की भीड़ जुटी रही थी। इस देश के त्योहार यहाँ के लोक रंग में घुले मिले हुए हैं। अभी दीपावली आने वाली है, मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौने, इनकी खरीदारी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाती है। तो आइए आज लोक रंग में देखते हैं मिट्टी के दिए के बनने की कहानी। मैं हूं मिट्टी का दिया, आप मुझे दीपक या दीप के नाम से भी जानते हैं। मेरे जन्म की कहानी थोड़ी लंबी है। मेरी निर्माण प्रक्रिया उसी मिट्टी से शुरू होती है जिससे यह सारा संसार बना है। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। एक दिन ऐसा आता है जब किसी कलाकार कुम्हार की नजर उस मिट्टी पर पड़ती है और वह मिट्टी को अपने आंगन में ले आता है। उसे डंडे से पीट पीट कर बिल्कुल महीन कर दिया जाता है। महीने हो जाने के बाद चलने की सहायता से उससे कंकड़ अलग किए जाते हैं। इसके बाद पानी डालकर उसे बिल्कुल आटे की तरह गोथा जाता है। जब वह बिल्कुल चिकना हो जाता है तब उसकी छोटी छोटी लोई बनाते हैं और चाक पर रखकर कुम्हार कलाकार अपने कुशल हाथों से उसे मनपसंद आकार देते हैं। देखते ही देखते मुझ जैसे सैकड़ों दियों का निर्माण हो जाता है, पर कच्चे दिए किसी काम के नहीं होते। हमें खुले स्थानों पर रखकर पहले सुखाया जाता है, फिर घास फूस और उपलों के आग में पकाया जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया और मुश्किलों के बाद मैं निखर जाता हूँ और मजबूत हो जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर कोने को रोशन कर सकूं। दीपक दिया तेल भरी बाकी दई अघट, पूरा किया बिसाहुना बहुरी नाओ हट। भारत उत्सव का देश है, पर्व त्योहारों का देश है। ये पर्व त्योहार ही हैं जो लोक जीवन में उल्लास भरते हैं। तो आइए जानते हैं लोक परंपरा में आज दीपावली के बारे में। अस्तो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश की यह कामना वैदिक प्रार्थना में समाहित है। अंधेरों में जीवन की राह अक्सर अवरुद्ध हो जाती है। इन अंधेरों को समाप्त कर रोशन पथ की चाह मानव मन में आदिकाल से रही है। यही कारण है जो हर मांगलिक अवसर पर दीप जलाने की हमारे देश में परंपरा है। ज्योति पर्व हमारा सांस्कृतिक संस्कार है। घरों को रोशन कर
हम अक्सर अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो वहीं देवी देवताओं के सम्मुख दीपक जलाकर उनसे जीवन पथ को रोशन करने की प्रार्थना भी करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए ही तो हमारे देश में उत्सव चक्र भी ऋतुओं और फसलों पर आधारित होते हैं। यहाँ फसल की बुआई से लेकर कटाई तक को त्योहार के रूप में मनाने की परंपरा है। देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है दीपावली। शरद ऋतु के आगमन के साथ दीपावली की शुरुआत होती है। दीपावली का यह त्योहार अपने साथ अनेक पर्वों त्योहारों को लेकर आता है। हर पर्व की एक कथा है, मान्यता है। उल्लास के त्योहारों की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन से बाजार दीपावली की खरीद के लिए सज जाता है। इस दिन नए बर्तन सोने चांदी की खरीद का प्रचलन है। धनतेरस पर सौभाग्य और सुख की कामना के साथ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब सागर की गहराई से 14 रत्न निकले थे। धन्वंतरी इन्हीं रत्नों में से एक है। जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 13 वर्षों बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का आचार्य माना जाता है। शरद ऋतु के आगमन के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है। पर्व त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, संभवतः इसे ही ध्यान में रखते हुए एक दिन आरोग्य के देवता आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी को याद करने के लिए तय किया गया होगा, जिसे त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया। धनतेरस के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 रानियों को मुक्त कराया था और उनसे विवाह किया था। कहते हैं उस दिन द्वार पर या घर से बाहर दीपक जलाने से नरक की यातना से परिवार को छुटकारा मिलता है। तीसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी रोज श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में संपूर्ण अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, जो आगे चलकर दीपों के पर्व में परिणत हो गया। और मान्यता यह भी है कि श्राद्ध के दिनों में जो पितृगण धरती पर आते हैं, इस दिन उनकी वापसी होती है। उनकी राह प्रशस्त करने के लिए ही दिए जलाए जाते हैं और आकाश को रोशन करने के लिए आसमान तारे जलाए जाते हैं। एक कहानी राजा बलि से भी जुड़ी है। कहते हैं कि इन्हीं 3 दिनों में राजा बलि को विष्णु के वामन अवतार द्वारा पाताल लोक भेज दिया गया था। बाद में विष्णु ने उनकी उदारता से खुश होकर वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों के दौरान दीप दान किया जाए और लक्ष्मी पूजन की जाए। यह भी एक कारण है जो इस दिन दिए जलाए जाते हैं, लक्ष्मी पूजन की परंपरा है। इस दिन घरों के मुख्य दरवाजे के आगे रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और दरवाजों को तोरण से सजाया जाता है। रात को मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं, घरों को रोशनी से सजाया जाता है। इस दिन कहीं लक्ष्मी गणेश तो कहीं काली पूजा की प्रथा है। कहीं कहीं कुबेर और यक्ष पूजा का भी प्रचलन है। कुबेर धन के देवता हैं और यक्ष धन के रक्षक हैं। व्यापारियों का बही खाता भी दीपावली से शुरू होता है। दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
घरों से दरिद्रता भगाई जाती है। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट की पूजा होती है। इससे भी जुड़ी एक कथा है। कहते हैं कि कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाई तो इंद्र कुपित होकर प्रलयंकारी वर्षा करवाने लगे, जिससे संपूर्ण ब्रज भूमि डूबने लगी। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर संपूर्ण ब्रजवासियों को इससे बचाया। ऐसा कहते हैं कि गोवर्धन के नीचे भगवान कृष्ण ने सभी से खाने पीने के जो भी सामान उपलब्ध है उन्हें एक दूसरे के साथ बांटने के लिए कहा था। इससे एक समुदाय के रूप में इकट्ठा हुए लोग भूख से लड़ने में सफल हुए और इस मुश्किल घड़ी का सामना किया। इसलिए इस दिन नए कूटे अन्न का भोजन बनता है और परिवार में बांटा जाता है। अन्नकूट के अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित होता है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, वहीं भाई उसे उपहार देकर अपना प्यार जताता है। इससे जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों के लिए यह त्योहार यम की बहन यमुना का तिलक के साथ यम का स्वागत करने का प्रतीक है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन नरकासुर का वध करके लौटे भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने स्वागत किया था। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह यह त्योहार भाई बहन से ही जुड़ा हुआ है। इस दिन चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा की जाती है। यह दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजन लेखनी के रूप में किया जाता है। इस दिन लेखनी, दवात और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही बिहार के महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, जो दीपावली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। कह सकते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना उत्सवों का महीना है। उत्सवों की यह श्रृंखला धनतेरस से शुरू होकर छठ पर्व या षष्ठी पूजा के साथ संपन्न होती है। ये उत्सव ही है जो जीवन में उत्साह बनाए रखते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में भी इन उत्सवों की सहभागिता है। स्थानीय सामग्रियों की खरीद फरोख्त ऐसे उत्सवों में बढ़ जाती है, जिससे देश का हर घर रोशन हो जाता है। टीवी के साप्ताहिक इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय का जन्म 12 सितंबर 1894 को हुआ था। उनका आत्मकथात्मक उपन्यास पाथेर पांचाली काफी चर्चित रहा। इस उपन्यास पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई, जो विश्व प्रसिद्ध रही। इसी कड़ी की अगली कृति अपराजितों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनके उपन्यास इच्छामती के लिए उन्हें मरणोपरांत रविंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 नवम्बर 1950 को उनका निधन हो गया। राजा राम वांगु डरे शांताराम यानी वी शांताराम एक कुशल फिल्म निर्देशक, फिल्मकार और बेहतरीन अभिनेता थे। उनका जन्म 18 नवंबर 1901 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक शुरुआत करने वाले शांताराम ने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ, नौरंग जैसी विविधतापूर्ण फिल्में बनाकर एक अलग मुकाम हासिल किया था। करीब 6 दशक लंबे अपने फिल्मी सफर में शांताराम ने हिंदी व मराठी भाषा में कई सामाजिक एवं उद्देश्य परक फिल्में बनाई। 30 अक्टूबर 1990 को
वी शांताराम का निधन हो गया।